रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। सफर से इश्क करना सीखो, मंजिल तो कुछ पल की मेहमान होती है। यहाँ मंजिल भी खूबसूरत है और सफ़र भी खूबसूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनाली के रोहतांग पास की, जहाँ आपको वर्चुअली टूर पर लिए चलेंगे और आपको लेटेस्ट वीडियो के साथ लेटेस्ट टूरिज्म न्यूज़ बताएंगे, जो आगामी यात्रा बनाने में, आइटनरी बनाने में आपकी सहायता होगी। और एक्चुअली यात्रा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक आपकी हेल्प के लिए नीचे दिया गया, मनाली पैकेज और रोहतांग आने के लिए टैक्सी की रिक्वायरमेंट है तो संपर्क कर सकते हैं। इन बर्फीली वादियों को देखकर क्या लग रहा है, कितना नंबर देना चाहेंगे इस खूबसूरत नज़ारे को? और भी खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा बर्फ़ देखना चाहते हैं तो रोहतांग टॉप साइड जा सकते हैं। वो तरीका आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात इस वीडियो में करेंगे, वो आगे थोड़ा सा आगे रहेगा। तो ये जो नज़ारे आपको हम दिखा रहे हैं, इसको यदि आप ऊपर से चिड़िया की भांति, बर्ड की भांति देखना चाहते हैं तो कैसा रहेगा? क्योंकि यहाँ पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से जो ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसके लिए पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसके दो ऑप्शन है, शॉर्ट पैराग्लाइडिंग और हाई, जिसका टाइमिंग ज़्यादा होता है और हाई अल्टीट्यूड से होती है, तो वो 2000 और 3000 के लगभग यहाँ पैराग्लाइडिंग आप कीजिएगा, यहाँ से बहुत आपको अच्छी लगेगी। पहले आपको हम यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है मैदानों में, यहाँ की जो भीड़ है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है। टेम्परेचर ज़रूर बताइएगा अपने सिटी और गांव का नाम लिखकर, कितना टेम्परेचर चल रहा है और कैसा वेदर है। यहाँ तो कूल कूल लग रहा है और आप यहाँ परमिट के साथ आ सकते हैं रोहतांग पास। और जो मनाली आने वाला यहाँ नहीं आया, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना है, आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बता सकते हैं, कि यात्रा व्यर्थ है। यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको इतना डरने की घबराने की बात नहीं है, इजीली बर्फ़ मिलेगी, फ्रेश बर्फ़ मिलेगी, स्नो मिलेगी। इसके अलावा पूछते हैं कि रोहतांग के अलावा कहाँ मिलेगी, तो बारालाचा जा सकते हैं। और उसके लिए हमने दिल्ली, मनाली और लेह लद्दाख के लिए एक बस का वीडियो शेयर किया था, उसको देखिएगा, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आई बटन पर डालूँगा और अंत में भी डाल दूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग ज़रूर कीजिएगा, एडवेंचर में भाग लीजिएगा यदि जिंदा दिल है, और स्नो ड्रेस ज़रूर पहन के आइएगा, मौसम कभी भी बदल सकता है। और मौसम के संबंध में एक छोटी सी अपडेट है कि 12-13 जून को यहाँ ऊपर वाले भागों में रेनफॉल या स्नोफॉल हो सकती है, ऊपर स्नोफॉल होने की संभावना बनी हुई है, दोनों दिनों में कभी एक दिन हो सकता है। गर्म कपड़े और पानी ज़रूर पीते रहिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ इसका ज़रूर बताइएगा कि पानी पीने से क्या फ़ायदा है, यहाँ रोहतांग पास में प्यास नहीं लगेगी, पीना है लेकिन आपको बताना है क्यों। और एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज संबंधी जानकारी, जो आपको मनाली या शिमला की यात्रा कर रहे हो तो होना जरूरी है, उसकी जानकारी आगे बताऊंगा। इससे पहले हम बताएं कि इससे ज़्यादा जो आपको यहाँ बर्फीली दीवारें दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा बर्फ़ देखनी है तो आप यहाँ से ATV हायर करके आप रानी नाला, जो रोहतांग टॉप के नज़दीक है, वहाँ तक जा सकते हैं और उसके द्वारा आप वहाँ की यात्रा कर सकते हैं और ज़्यादा बर्फ़ देख सकते हैं। एडवेंचरस होता है, 4x4 गाड़ी होती है, जैसा कि आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं ATV। और यहाँ आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, लगभग 4,000 से 5,000 रुपये चार्ज किया जाता है, इसलिए आपको अच्छा लगे तो बुक कीजिए, वरना यहाँ से आप संतुष्ट हो सकते हैं। और थोड़े दिनों के अंदर रोहतांग पास प्रॉपर पूरा खुलने वाला है, वेदर कंडीशन ख़राब बनी हुई है, पहले मैंने बता दिया कि कब ख़राब है, और अब बताते हैं आपको, ये नीचे तो मड्डी वाला इलाका है, इसे ऊपर तक खोल दिया गया है, अब बताते हैं कि पैकेज के अंदर क्या घपला होता है। पैकेज के अंदर होता ये है कि आप यहाँ के लोकल से पैकेज लेंगे और एक बाहर वाले से पैकेज लेंगे, तो उसमें अंतर यह है कि लोकल्स
रोहतांग पास को इंक्लूड करके बताते हैं तो आपको पैकेज थोड़ा महंगा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो रेंट होता है पैकेज का, रोहतांग और पैकेज बराबर हो जाता है, इसलिए कॉस्टली हो जाता है। यानी कि 5,000 से न्यूनतम पैकेज आपको यहाँ मतलब रोहतांग का नहीं मिलता है, प्लस मनाली का पैकेज अलग हो जाता है, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। लेकिन बाहर वाले इसके अंदर मोस्टली, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मोस्टली 90% से ज़्यादा रोहतांग इंक्लूड नहीं करते हैं। उनकी भी मजबूरी है, परमिट ऑनलाइन बनता है जो मिलता नहीं है, और ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, और वेदर कंडीशन भी ख़राब होने के कारण रोहतांग पास जाने से मना किया जा सकता है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए वो पैकेज के अंदर रोहतांग पास को इंक्लूडेड नहीं करते हैं। और मनाली लेह हाईवे का लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और भी कोई क्यूरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और जन्मदिवस पर बहुत सारी बधाइयाँ मिली, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके भी हमें भी उत्साहित कीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको लगातार हम देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।